गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. सो टुडे वी विल डिस्कस फाइंड द एंगल दैट इज सप्लीमेंट्री ऑफ इटसेल्फ. सो फाइंड आउट करेंगे ऐसा एंगल जो सप्लीमेंट्री है अपने आप का ही. बट फाइंड आउट करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं. सो सप्लीमेंट्री एंगल हमारे पास होते हैं टू एंगल हुज सम इज इक्वल्स टू 180. दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 के इक्वल हो उसे सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं. या फिर ये भी बोल सकते हैं पेयर ऑफ एंगल हुज सम इज इक्वल्स टू 180 इज कॉल्ड अ सप्लीमेंट्री एंगल. सो सी हियर दिस लेट अस टेक अ सम एग्जांपल ऑफ सप्लीमेंट्री. सो वी हैव अ 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री. दो एंगल हैं जिनका सम हमारे पास क्या आया है 180 डिग्री. सो ऐसे दो एंगल जिनका सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं. सो ये दिस इज फर्स्ट एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं लाइक 100 डिग्री. फर्स्ट 100 हो गया तो इसका सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 80 डिग्री. सो दिस इज 180 डिग्री. 120 का सप्लीमेंट्री एंगल है 60 और 60 का सप्लीमेंट्री है 120. ऐसे ही 100 का 80 एंड 80 का 100 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल है. बट जो हमारा हेडिंग है उसमें हमको फाइंड आउट करना है फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ इटसेल्फ. कौन सा ऐसा एंगल है जो अपने आप का ही सप्लीमेंट्री एंगल है. सो 90 प्लस 90 जब हम लिखते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है दोनों एंगल मिलके दोनों का सम क्या आ जाता है 180 डिग्री. सो 90 क्या है सप्लीमेंट्री ऑफ इटसेल्फ. बट इसको फाइंड आउट करना है तो फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन लेंगे. एक्स एक एंगल ले लिया, सेकंड एंगल हमने ले लिया 90 डिग्री. या फर्स्ट 90 ले लो और सेकंड एक्स ले लो. सो दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्यों 180 डिग्री? क्योंकि दोनों का सम इज इक्वल्स टू 180 होता है. जो दो एंगल जिनका सम इज इक्वल्स टू 180 होता है उसी को ही हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं. सो हमको फाइंड आउट करना है सप्लीमेंट्री ऑफ इटसेल्फ. तो इक्वेशन ले लिया, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है. 90 को ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, साइन चेंज हो जाएगा. सो नाउ एक्स इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 इज 90 डिग्री. ओके सो वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री आ गई है एक्स की. इसको पुट कर देंगे इस इक्वेशन में. दिस इज 90 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो दिस इज 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. सो इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ इटसेल्फ कौन सा एंगल है. मतलब 90 क्या है सप्लीमेंट्री ऑफ इटसेल्फ है. अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.